हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं पालक और गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए ये मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया है। ये हमें इस तरह से चर्बी वाला गोश्त लेना है, इससे पालक बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। ये हमने 1 kg पालक लिया है, जो हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है और धोकर इसे छन्नी में इस तरह से रख दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आइए बनाते हैं। ये मैंने कुकर लिया है, ये हमने 1 कप ऑयल इसमें डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच। ये हमने इसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये गोश्त डाल देते हैं, अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज कट करके रख लिए थे, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, ये भी हमने कट कर लिए हैं, ये भी हम डाल देते हैं। देखिए गाइस, हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये भर के हम 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। देखिए गाइस, हमने 3 चम्मच धनिया डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। अब हम लगाएंगे 4 सीटी। देखिए गाइस, हमने इसमें 4 सीटी लगा ली है। ये देखिए गाइस, गोश्त अच्छे से गल चुका है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे भून लेते हैं। देखिए गाइस, गोश्त अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च। ये मैंने अदरक 1 का 1 टुकड़ा लिया है, 1 इंच का, वो मैंने चॉप करके रख लिया है और ये मैंने कुछ 10 से 12 हरी मिर्च ली है, ये भी मैंने कट कर ली है। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये देखिए गाइस, अब ये गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, अब हमने इसमें सभी मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पालक। गाइस, पालक ना बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने पूरा ही सब कुछ तैयार करके इसमें पालक डाल दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे 1 सीटी लगाएंगे बस। ये देखिए गाइस, अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसमें पानी नहीं डाला है, पालक ने ही इतना पानी छोड़ दिया है और हम इसे अच्छे से चलाते हुए अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे और हमारा पालक और गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा। और आप बनाकर देखें और इसी तरह जो जिस तरह से मैंने सारी बनाई है, इसमें सारी चीज़ें डाली हैं, आप इस तरह ही बनाएं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हेल्थी भी होता है पालक और आयरन होता है पालक के अंदर, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। 1 सीटी आ चुकी है और अब हम इसकी ऐसे गैस निकालते हुए फोड़ लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब हमने इसे गैस निकाल दी है। ये देखिए गाइस, पालक और गोश्त कितना अच्छे से कलर आया है, मैंने इसमें 1 ही सीटी लगाई। हमने इसको स्टीम पर नहीं छोड़ा है, नहीं तो इसका ये जो साग है, जो पालक है, ये पीला पड़ जाता और हमें ये ऐसे ही जल्दी से 1 सीटी लगाकर हमें इसकी गैस निकाल देनी है, नहीं तो पालक पीला हो जाता है, ये जो हरा हरा है इस तरह नहीं रहता। तो आप भी 1 सीटी लगाएं और गैस को एकदम कुकर खोल दें। अब हम करते हैं गैस ऑन, उठाते हैं आपको, ये देखिए इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ऐसे पालक को ऐसे मिक्स कर देना है। देखिए, ये देखिए गाइस, हमने इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दिया था और आप कर देते हैं हम गैस बंद। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितने अच्छे से बनकर रेडी हुआ है हमारा पालक और गोश्त। ये देखिए, आइए सर्व करते हैं। कितने अच्छे से पालक और गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लगता है।
आप बनाएं और बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और एक बार जो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।